अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे चिकन के कबाब। यहाँ पे हमने 1.5 kg चिकन लिया है, 1 cup चने की दाल ली है, हमारे पास 2 हरी मिर्चें हैं और पुदीना है और धनिया है। यहाँ पर हमने एक अंडा ले लिया है। चिकन को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब हम दाल को भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 1 tablespoon हम धनिया पाउडर डालेंगे और ये आपको 2 बड़ी इलायची और 2 लौंग डालने हैं और 1 tablespoon जो है वो हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लहसुन के कुछ जवे हैं और अदरक है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे 1 tablespoon साल्ट लिया है, 1 tablespoon हमने हल्दी ली है और 1 tablespoon हमने लाल मिर्च। और पानी आपने उतना लेना है जितना आपको लगे कि ये दोनों चीज़ें उसमें गल जाएंगी। इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे जब तक ये दोनों चीज़ें हमारी गल नहीं जाती। तो यहाँ पे ये गल चुका है, अब हम गोश्त को हड्डियों से अलग कर लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। इसमें हमने बाकी धनिया और हरी मिर्च और पुदीना डाल दिया है और इसमें हमने अंडा भी शामिल कर लिया है। हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको शेप देंगे कबाब की। आप कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं, उसमें शॉवल लगा के आप कबाब बना सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो जी जनाब, हमने फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं।